उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस नाते लड़ना चाहते हैं कि अब उनको भी डर सता रहा है कि लालू जी की तरह फिर हमारे साथ कहीं ना हो ईडी सीबीआई। देखिए वो उनका विषय है, ये सूची जारी करके और कांग्रेस को एक कहावत है कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस नाते लड़ना चाहते हैं कि अब उनको भी डर सता रहा है कि लालू जी की तरह फिर हमारे साथ कहीं ना हो ईडी सीबीआई, जो जांच चल रही है खनन वाले में, गुमती रिवर फ्रंट में, तो पूरा परिवार इधर उधर ना हो जाए, जेल की सलाखों में न जाए। इससे जो है बचने के लिए अखिलेश जी चाहते हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये उनके दिल में है। दिल की बात मैं अखिलेश जी की बता रहा हूं। दिल का हाल आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं ना, दिन में बीजेपी के खिलाफ और रात को गुलदस्ता लेके जेपी नड्डा जी की यहाँ, अमित शाह जी की यहाँ, योगी जी की यहाँ, मोदी जी के यहाँ क्यों जाते हो भाई? वो तो ये कह रहे हैं कि जो 11 सीटें दी उसका सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि आने वाले समय में और भी सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी, तो कांग्रेस को सम्मान दे ही रहे हैं वो कह रहे हैं। तो कांग्रेस कहा परेशान है? कहाँ परेशान है कांग्रेस? क्या आपको लगता है या आपको कहीं से लगता है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वो है, विजन भी रहता है, तो उस एनालिसिस के हिसाब से क्या आप कह रहे हैं? देखिए गठबंधन इसी तरह होते हैं, जितने दल होते हैं गठबंधन में बैठ करके कमरे में एक जगह लोग सीट तय कर लेते हैं, एक बार दो बार तीन बार चार बार बैठक करके तय कर लेते हैं, उसके बाद बाकायदे फिर आप लोगों को बुलाते हैं, प्रेस करते हैं कि भाई ये सीट हम लोग लड़ेंगे और हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है, ये होता है ना जी। तो क्या उसमें कहीं दिख रहा है? अपने मन से पूरा विपक्षी पार्टी का टिकट अखिलेश जी बांटेंगे? बांटना है तो कमरे में बैठ के कहीं बैठ करके आप सबको लेके बैठ के तय कर लो, आज 16 कर दिया, कल 32 कर दो, परसों 35 कर दो, उनको दे दो कि काट दो, ये कौन सा तरीका है? नहीं तो क्या पता दोनों में चर्चा हुई और अखिलेश यादव को कहा गया कि मोर्चे की कमान संभाले और आगे बढ़ के इसमें निर्णय लें। अब कहा बढ़ के करेंगे, अखिलेश जी जब नीतीश जी को रोक ही नहीं पाए, ममता जी को समझा ही नहीं पाए, तो कांग्रेस की भी हो सकता है कि कांग्रेस से सब लोग ना जुड़ना चाहते हो, लगता हो कि नुकसान होगा इस वजह से कांग्रेस के साथ ऐसा हो कि कर रहे हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी का कौन स्टेट में वोट है? ये जाएंगे तमिलनाडु, केरल, आंध्रा वोट दिलाने? दिल्ली जाएंगे वोट दिलाने? कांग्रेस दिलाते कि क्या यहाँ? कहाँ? यूपी में आज भी उसके पास 3% वोट है, कांग्रेस के पास 2 एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कहा है? समाजवादी पार्टी का बंगाल में कहा है? समाजवादी पार्टी का बिहार में कहा है? कुछ है? तो सब लोग, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी राज्य दल है और आज भी उसके 4 स्टेट में सरकार है।